सलूनी दनून संपर्क मार्ग पर वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के दौरान मालवाहक वाहन से देवदार और कैल की 125 लकड़ियां बरामद की। मालवाहक वाहन चालक मौके पर टीम को कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने वाहन समेत पकड़ी गई लकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पकड़ी गई लकड़ी के मालिक ने दस्तावेज उसके पास उपलब्ध होने की बात कही है। इस पर वन विभाग ने उसे एक सप्ताह में दस्तावेज जमा करवाने की बात कही है, अन्यथा विभाग नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा। सलूनी के डीएफओ सुशील गुलेरिया ने खबर की पुष्टि की है। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी संख्या जो कि आपने पता ही कर लिया है, उसमें अवैध रूप से लकड़ी लेके जाई जा रही थी। जब हमें इसकी सूचना मिली, मैंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिए और हमने ऐनी नामक स्थान पर नाका लगाया हुआ था। जब ऐनी नामक स्थान पर हमने उस गाड़ी को रोका तो उसमें लकड़ी के फट्टे और कुछ कड़ियाँ पाई गई जो कि देवदार एवं कैल प्रजाति की थी। ड्राइवर से जब हमने उसके वैध दस्तावेज दिखाने को कहा तो उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज उसके पास प्रस्तुत नहीं किया गया था। बाद में हमने लकड़ी और गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और साथ ही साथ में ड्राइवर को 7 दिन का समय दिया है कि वो अपने वैध दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा भारतीय वन नियम के अनुसार 51 और 52 के तहत गाड़ी की जब्ती की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।